हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ MI ईयरफोन बेसिक को और रियलमी बड्स क्लासिक को। ये देखिए MI ईयरफोन बेसिक विद माइक, अल्ट्रा डीप बेस, बैलेंस साउंड, एल्यूमिनियम साउंड चैम्बर, लाइट वेट डिज़ाइन। इसकी MRP की बात करें तो इस पे बॉक्स पे 599 मेंशन है, लेकिन ये 429 या 400 में मी स्टोर पर अवेलेबल हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम रियलमी बड्स क्लासिक को देखें तो इसमें 14.2 mm का साउंड ड्राइवर है, डीपर एंड रिचर बेस है, म्यूज़िक वीडियो प्लेबैक कंट्रोल है। और इसकी अगर हम MRP की बात करें तो इस पर 699 MRP मेंशन है, लेकिन ये रियलमी स्टोर पे 399 रुपीज़ की मिल जाती है। तो ये रही मेरे पास रियलमी बड्स क्लासिक ईयरफोन्स। चलिए इसे मैं खोल के दिखाता हूँ। तो इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है और ये हमें मिलता है केबल ऑर्गेनाइज़र, जिस पर रियलमी की ब्रांडिंग है। केबल की लेंथ आप देख सकते हैं और ईयरफोन के सेंटर में रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है और माइक्रोफोन दिया गया है। पीछे की साइड इसमें बटन है जिसे प्ले पॉज कर सकते हैं। और ये रहे हमारे ईयरफोन्स के ईयर टिप्स, दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। और इसके साउंड क्वालिटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें 14.2 mm के साउंड ड्राइवर होने की वजह से इसकी अंदर बेस बड़ी अच्छी आती है। पीछे की साइड इसमें दो होल्स दिए गए हैं जिससे कि एयर्स निकल जाएं इसके अंदर से और हमें रिच साउंड का एक्सपीरियंस मिले। ईयरफोन पे लेफ़्ट एंड राइट मेंशन है, जैसे कि ये लेफ़्ट वाला है और ये राइट वाला है। तो चलिए ये बात तो हुई रियलमी की, अब बात कर लेते हैं हम MI वाले की। तो ये रहे MI बेसिक ईयरफोन्स, ये मेरे पास ब्लू कलर में हैं, देख सकते हैं आप। इसमें कोई केबल ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो ये ऐसे ही टेंगल हुआ हुआ है। तो इसमें भी 3.5 mm का जैक मिलता है, लेकिन गोल्ड प्लेटेड है ये और ये L शेप में है। इसमें यहाँ MI की एक ब्रांडिंग दिख जाती है। इसकी केबल लेंथ भी अच्छी है, लेकिन ये टेंगल फ्री नहीं है। और यहाँ पर आपको एक MI की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ये देखिए MI लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर भी हमें मिल जाता है मल्टी फंक्शन बटन, जैसा आप प्ले पॉज या गूगल असिस्टेंट खोल सकते हैं। पीछे के साइड माइक्रोफोन होल मिल जाता है, कैमरा फोकस करे, ये देखिए ये रहा माइक्रोफोन होल और मल्टी फंक्शन बटन। और ये रहे ईयर टिप्स, इसमें भी राइट मेंशन है और लेफ़्ट मेंशन है। एल्यूमिनियम का चैम्बर है, साउंड चैम्बर, 10 mm का इसमें ड्राइवर है। और ये रहा लेफ़्ट ईयर के लिए, इसमें लेफ़्ट मेंशन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं। चलिए मैं दोनों ईयरफोन्स को एक साथ दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये रहे रियलमी के और MI के दोनों एक साथ। रियलमी वाले कुछ थोड़े बड़े हैं क्योंकि इसमें साउंड ड्राइवर भी बड़ा है, और MI वाले थोड़े छोटे हैं। इसमें रबड़ ईयर टिप्स का यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं ये दोनों राइट वाले हैं। MI वाले थोड़े पहनने में कंफर्टेबल लगते हैं क्योंकि इसमें रबड़ ईयर टिप्स हैं। रियलमी वाले भी ठीक हैं। चलिए मैं इन दोनों की लेंथ एक साथ दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये दोनों इक्वल हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लगभग बराबर की ही हैं, ये देखिए। रियलमी के ईयरफोन्स को हम ऐसे गोल गोल करके राउंड करके केबल ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से हम इसको आराम से रख सकते हैं। ये देखिए, इस बेल्ट के होल में इसको डाल के हम इसको आराम से रख सकते हैं। और वहीं दूसरी साइड एमआई वाले में ऐसे कोई हमें ऑर्गेनाइज़र नहीं मिलता, तो इसको हमें खुद ही ऐसे फोल्ड करके रख लेना होगा। ये फीचर इसमें एक कम है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करता हूँ मैं, तो दोनों ही ईयरफोन्स को मैंने एक्सपीरियंस करा और साउंड के मामले में मेरे को रियलमी बड्स क्लासिक अच्छा लगा। साउंड इसमें हाई साउंड आता है और इसमें 14.2 mm का लार्ज ड्राइवर होने की वजह से इसकी बेस अच्छी लगी मेरे को। इसमें बेस और साउंड बहुत अच्छा है। अगर आपको बेस अच्छी लगती है तो रियलमी बड्स क्लासिक के लिए जाएँ। और दूसरी साइड एमआई ईयरफोन बेसिक्स में साउंड बिल्कुल बैलेंस लगा, ट्रेबल एंड वोकल्स क्लियर थे, बेस इतनी ज़्यादा नहीं थी और साउंड क्वालिटी भी ज़्यादा नहीं है जितनी रियलमी बड्स क्लासिक की है।